नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। मिजोरम में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची में दो पादरियों को भी टिकट दिया है। पार्टी ने राज्य में 40 में से 13 उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा आइजल पश्चिम दो से एलआर कॉलोनी और लुंगलेई पूर्व सीट से एच लाल रुआता को मैदान में उतारा है। लाल रुआता लांगदेंगा मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। वह 1993 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। राज्य में सांगठनिक रूप से भाजपा कमजोर है, लेकिन वह स्थानीय राजनीति में अपनी पैठ बनाने के लिए वरिष्ठ राजनेताओं का सहारा ले रही है। यहाँ 5 बार चुनाव लड़ने के बाद पार्टी अब तक एक सीट भी नहीं जीत सकी है। वह इलाके को कांग्रेस मुक्त करने के अपने अभियान के तहत अपने हिंदुवादी छवि सुधारने की कोशिश भी कर रही है। पड़ोसी नागालैंड भी ईसाई बहुल है, लेकिन बीती फरवरी में भाजपा ने वहां 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीते बुधवार को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने आइजल दौरे में नागालैंड के मुख्यमंत्री वाई पैटर्न के साथ मंच साझा किया था। इसका मकसद लोगों को यह संदेश देना था कि ईसाई धर्म मानने वाले नागा लोग भी अब भाजपा को वोट दे रहे हैं। पार्टी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी वानुप्पा जाथांग को भी मैदान में उतारा है। वानुप्पा भाजपा के क्षेत्रीय सहयोगी मिजो नेशनल फ्रंट में थे। वहां तवज्जो नहीं मिलने के कारण हाल ही में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज।